जान शीशे वर की खुद नो पत्थर जाइए बना ले तू शीशे वर की। अस्सलामुअलैकुम। पहले तो मैं पूरी दुनिया की पूरे पाकिस्तान की औरतों को मुबारकबाद दूंगी और हमारा मकसद जो होता है हमारा जो हमारे इस्लाम ने जो हमारा हक दिया है वो है हमें इंसान समझा जाए और दूसरा जो हम लोग काम करते हैं हम अपने लिए नहीं करते हम अपनी आने वाली नस्ल को सेट करने के लिए करना है इस वजह से हम लोग पैर आते हैं फिर हमारी आने वाली नस्ल जो है ना महफूज खवातीन का जो आलमी दिन है उसके हवाले से हम आज इकट्ठे हुए हैं ये किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि जो हमारे आम औरतों के जो मसाइल हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए उनको अवेयरनेस देने के लिए ये प्रोग्राम सारा जो है वो अरेंज किया गया है। तो यहाँ सिर्फ खवातीन के मसाइल के हवाले से बात की जा रही है किसी मर्द के खिलाफ नारे नहीं गाए जा रहे किसी रियासत के खिलाफ नारे नहीं है किसी नस्ल के खिलाफ नारे नहीं है बल्कि खवातीन के अपने हकूक के बारे में आगाही देने पैदा कर रही है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि डिलीवरी होती है हम पेशेंट को बताते ही नहीं है कि क्या पैदा हुआ है बेटी रहती है क्योंकि बेटी पैदा होती है हम बताते हैं तो अगर कभी किसी ने कोई लाखों में एक होगा जो फर्ज करता होगा कि मेरी बेटी पैदा हुई बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई में मुबारक देते हैं कि बेटी पैदा हुई और हमारी तो पिछले साल भी एक ज़बरदस्त किस्म की शायरी हमने सुनी है खातून शायरा से और आज भी इसका हमारे साथ बहुत शुक्र गुजार उन्होंने सब देखा। मैं चाहूँगी कि ना सिर्फ आप इस सब को सुने बल्कि जो कुछ कह रही है उसे थैंक यू लाइबा आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ दिया मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं शुरू करती हूँ मेरे शहर के कुछ असूल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज खवातीन का आलमी दिन है मुल्तान की खवातीन भी दुनिया भर की खवातीन की तरह अपने घरों से निकली हैं जिसमें मुल्तान समेत जनूब पंजाब के मदाफाती इलाकों में भी खवातीन शामिल हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के साथ हम लोग बाहर निकले हैं। जब एक रेपिस्ट को हमारे जिस्म पे मर्जी हो सकती है तो हमें हमारे जिस्म पे क्यों नहीं हो सकती है। हमें बराबरी के हकूक भी चाहिए मुलाजमतों को तहफ़ भी चाहिए तालीम और सेहत की सहूलियात भी चाहिए ताकि एक पढ़ी लिखी और सेहतमंद माँ आगे सेहतमंद और महफूज माहौल को परवान चढ़ा सके। एनरोल्ड होता है तो यहीं से फर्क पता चलता है कि वालदैन आमतौर पर ये कहते हैं कि हम बैटरी के बाद बच्चों की शादियाँ कर दें जहेज दे के उनको रुखसत कर दें और उनको उनकी जो अपनी ख्वाहिश होती है वो पूरी करने का मौका नहीं मिलता है। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी आती हैं हमारे पास जो ये कह रही होती हैं मैडम हमारे घरों में कॉल्स कर दें हमारे घर वालों को बताएं कि हम बहुत अच्छी हैं। ये कितना अफसोसनाक बात है कि एक बच्ची मेरा जिस्म देखकर मुबारकबाद हो। देखिए मर्दों के बाद हम लोग को कुछ नहीं है वो लोग समझते हैं हम लोग मर्दों के खिलाफ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मर्द हमारा भाई भी है मर्द हमारा बाप भी है मर्द हमारा बेटा भी है मर्द शौहर भी है तो हर रिश्ता हमारा मर्द के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो लोग कहते हैं हम लोग मर्दों के खिलाफ बोलते हैं तो मेरे ख्याल में उनके अंदर कुछ होगा तो इस वजह से कहते हैं हम लोग मर्दों के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मेरा जो आने का मकसद होता है क्योंकि मेरी जो गांव की औरतें हैं दाही इलाके की खासकर मैं उनकी मंगी करती हूँ तो मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए आती हूँ जो उनके हकूक नहीं मिलते तो उनके हकूक लेने के लिए मैं आती हूँ उनको हकूक उनके दिए जाएँ।